साथियों, आज हमारा पांचवा वीक है जिसमें हम इम्पोर्टेंट इश्यूज ड्यूरिंग दिस वीक सीरीज की बात कर रहे हैं। इससे पहले हम चार वीक में वीडियो बनाकर उन वीकों के जितने भी इम्पोर्टेंट इश्यूज थे या डिसीजंस थे जो लेबर लॉ पर इम्पैक्ट डाल सकते हैं, उनकी हमने चर्चा की। जिन लोगों ने हमें लिखा उनका बहुत बहुत धन्यवाद, जिन लोगों ने वीडियो देखा उनका बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं आशा करता हूं कि आपको यह सीरीज पसंद आ रही होगी। आज हम पांचवा वीक में पांचवा वीडियो बना रहे हैं और यह वीक कल खत्म हुआ, 27 नवंबर 2021। इस वीक की जो प्रमुख घटनाएं हैं वो ये हैं कि द लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट ऑफ गुजरात हैज नोटिफाइड द स्टेट रूल्स ऑन कोड ऑन सोशल वेजेस On dated 16th November, and they are seeking objections up to the 45 days of its notification. गुजरात सरकार ने 16 दिसंबर को अपने कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी पर अपने इस राज्य के रूल प्रकाशित किए हैं और उन पर यदि किसी को कोई आपत्ति है तो 45 दिनों के अंदर 16 नवंबर से आगे 45 डेज में सबमिट कर सकता है। नंबर दूसरा इशू है, ऑन 25th November 2021 मिनिस्ट्री ऑफ लेबर हैज रिलीज्ड द न्यू सीरीज ऑफ वेज रेट इंडेक्स। WRI की नई सीरीज उन्होंने निकाल दी है और इनमें अब की बार इंडस्ट्री 37 कर दी है और बेस ईयर 2016 कर दिया है। 2016 को 100 मानकर उन्होंने पॉइंट, ताकि पॉइंट के नंबर जो बड़े बड़े हो गए थे उनको छोटा किया जा सके और इसका रेट पर पॉइंट इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री अलग है, तो उन्होंने इसको डिसाइड किया है। यह एक बहुत दिनों से पेंडिंग था, तो यह है एक बड़ा काम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया है। नंबर तीन, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, गवर्नमेंट हैज इशूड द नोटिफिकेशन जिसमें PF EPFO डिपार्टमेंट ने अपने यहां कुछ फाइनेंशियल पावर्स डेलीगेट किया। हुआ ये था कि जो PF के क्लेम्स हैं वो लोगों के सेटल होने में बड़ी देरी हो रही थी और एक केस पब्लिश हो गया जिसमें छपा था कि आदमी ने अब से 2 साल पहले PF को अप्लाई किया था विड्रॉल के लिए जब कोरोना शुरू शुरू हुआ था और अभी तक नहीं मिला, उसकी डेथ हो गई और PF सेटल नहीं हुआ। उसको लेने के बाद जब पेपर में बहुत कुछ छपा, इधर उधर काफी भागदौड़ हुई, तो PF डिपार्टमेंट ने अपने यहाँ एक सर्कुलर जारी करके और कुछ उसको लिबरलाइज कर दिया है। यह 24 नवंबर को सर्कुलर निकला जिसका नंबर मैंने दिया है, वो है WSU/360/2021/Delegation of Financial Powers/3059 डेटेड 24th November 2021। इसमें उन्होंने अपने सभी जोनल ऑफिसेज को, RPFCs को और जो RPFC इंचार्ज है उन सबको पावर दी है। पावर क्या दी है कि जिन ऑर्गेनाइजेशन का कंट्रीब्यूशन पिछले 24 महीने से नहीं आया है वो एक तो बंद क्लोजिंग ऑर्गेनाइजेशंस माने जाएं। नंबर टू, जो 50,000 तक के केस हैं वो सेक्शन सुपरवाइजर पास कर सकता है और जो 50,000 एक से लेकर के और 5 लाख से कम के हैं, 4,99,999 रुपए तक के जितने भी केस हैं उन सबको APFC और RPFC सेकंड पास कर सकते हैं और जो 5 लाख से ऊपर के हैं वो RPFC फर्स्ट या RPFC सेक्शन सेकंड जो इंचार्ज ऑफ रीजन है वो पास कर सकते हैं। तो यह एक बड़ा होगा ताकि केस तेजी से निपटारे में जाए, क्योंकि अब विड्रॉल की प्रक्रिया भी बहुत तेजी से नंबर्स में फैलती जा रही है। इसके अतिरिक्त इस वीक में 2 बड़े लेबर जजमेंट्स हुए जिनका इम्पैक्ट लेबर लॉ पर बहुत तेजी से आएगा। पहला है कि यह सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया, जो चंडीगढ़ हाई कोर्ट का ऑर्डर था जो ट्रिब्यून में छपा,
वह यह है कि एम्प्लॉय कंडक्ट इज नॉट सेटिस्फैक्ट्री। यदि किसी एम्प्लॉय का कंडक्ट सेटिस्फैक्ट्री नहीं है तो वह चाहे भले ही कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विस में हो, उसको वह टर्मिनेट कॉन्ट्रैक्ट को कर सकता है। यह जरूरी नहीं कि जब तक कॉन्ट्रैक्ट की टर्म रहेगी तब तक वो कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ रहेगा ही रहेगा। तो यह एक बड़ा क्वेश्चन मार्क था, बहुत दिनों से पेंडिंग था। एक अच्छा ऑनरेबल जस्टिस एच एस मदान ने इस बात को बिल्कुल क्लियर कर दिया और यह अब लैंडमार्क जजमेंट बन गया। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ा जजमेंट दिया है, उसमें लिखा है द सुप्रीम कोर्ट हैज हेल्ड दैट द मियर एक्सरसाइज ऑफ ऑप्शन by an employee to avail the benefit of extension of age retirement of 60 years, यदि वह अपनी स्वीकृति देता है कि मैं 60 साल के बाद भी काम करूंगा तो जो उसकी ग्रेचुटी है वो 60 साल पर ही पे हो जाएगी, और यदि आप नहीं देंगे तो फिर आपको उस पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा, जो इस केस में डिसाइड हुआ है। यह स्पेशल लीव पिटीशन डिसमिस्ड की गई 18 नवंबर 2021 को, और द बेंच ऑफ जस्टिस दिनेश माहेश्वरी विक्रमनाथ हैज गिवन दिस ऑर्डर, और यह केस का टाइटल है जीबी पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी वर्सेस दामोदर दास मथपाल स्पेशल लीव पिटीशन नंबर 1803/2018। तो ये दो बड़े निर्णय हुए हैं जिनसे अब लेबर लॉ में जो इशू पेंडिंग थे वो तेजी से निपटारे में किए जा सकते हैं। आप इनको ध्यान में रखकर अपनी इंडस्ट्री को इनका लाभ दिला सकते हैं। आज के इस वीक की इस वीडियो में इतना ही, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अपनी लेबर लॉ से रिलेटेड या IR से रिलेटेड अपनी जानकारी अपडेट करेंगे, अपने साथियों को बताएंगे ताकि वो भी अपनी जानकारी बढ़ा सकें। मैं और मेरी संस्था VK डायनेमिक लीडरशिप सेंटर पूरी तरह कमिटेड हैं हम कि भारत में इंडस्ट्रियल रिलेशंस पर अवेयरनेस या उसकी कॉम्पिटेंसी बहुत बड़ा है, क्योंकि भारत में IR कॉम्पिटेंसी दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। आपका कोई इशू हो तो हमें लिखिए, हम आपके साथ, आपका सहयोग ऐसे ही मिलता रहे। बहुत बहुत